हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। रिवर सबने देखा है। अब जब मैं रिवर के अंदर जाना स्टार्ट करूंगा उसके बैंक से, फॉर एग्जांपल दिस इज द बैंक ऑफ अ रिवर, और यहां से मैंने पानी में उतरना चालू किया, तो इनिशियली बैंक ऑफ द रिवर और मेरा लेवल सेम ही होगा, लेकिन आगे जाके शायद ये ऐसा अंदर चला जाए, और आगे जाएंगे तो और अंदर चला जाएगा। ये ऐसा डेप्थ इसका बढ़ते जाएगा रिवर का। अब डेप्थ अगर बढ़ रहा है तो क्या तुम लोग को वाटर लेवल भी ऐसा दिखेगा क्या? इनिशियली वाटर लेवल इधर है, फिर वाटर लेवल नीचे चला गया, फिर वाटर लेवल और नीचे चला गया। तो आंसर है नहीं। जब मैं रिवर की बात करता हूं तो डेप्थ कितना भी हो, रिवर का जो लेवल रहेगा वो तो एक ही रहेगा। ये ऐसा एक ही लेवल पे दिखेगा पूरा रिवर। और इसके पीछे रीजन क्या? तो इसके पीछे रीजन ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हुआ, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A2 हो गया, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया A3 हो गया। लेट से A1 और A2 की बात करते हैं। ये लेंथ है L। अगर यहां से मैं सोचता हूं 1000 लीटर ऑफ वाटर ट्रेवल कर रहा है, तो जब डेप्थ बढ़ गया तो वाटर तो उतना ही है 1000, तो यहां पे और यहां पे दोनों का जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जाएगा। अब 1000 लीटर को पास होना है, उसके लिए इसको जगह इतना मिला है। 1000 लीटर को पास होने के लिए जगह बढ़ गया तो वो आराम से फ्लो होगा, फिर यहाँ पे 1000 के लिए जगह और बढ़ गया तो ये और आराम से फ्लो होगा। तो ये जैसे ऐसे डेप्थ चेंज होगा उसका वेलोसिटी चेंज होता है। एक सेइंग है, जो पानी गहरा होता है वो शांत होता है, क्योंकि जब डेप्थ इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी कम होता है। तो जो पुराने जमाने वाले लोग बोल के गए वो सब सच है, क्योंकि जितना डेप्थ ज़्यादा उसका वेलोसिटी उतना कम होगा। तो जब तुम कोई रिवर को देखते हो जो फ्लो हो रहा है और बहुत शांत है, तो मतलब वो उसका डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, उसमें नहीं जाना चाहिए। एक रिवर जिसका पानी बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, मतलब उसका डेप्थ कम होगा, यू कैन गो ओवर दैट। अब चालू करते कैलकुलेशन। मैंने बोला यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है वो सेम है, दैट मीन्स स्टेटमेंट अपना ऐसा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो कैलकुलेशंस क्या होता है? तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेंथ मेरा L है, इसके लिए L लिखा है मैंने, L by T। अब वाटर या कोई भी फ्लूइड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो L बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बिकम एरिया इनटू वेलोसिटी एंड दिस इज कांस्टेंट। तो अपना इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 इसका एरिया, इधर वेलोसिटी V1, ये इसका एरिया, इधर वेलोसिटी V2, और दोनों अलग अलग होगा बट द प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर एरिया बढ़ा तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत काम आएगा। बर्नौलीज इक्वेशन आगे जो हम लोग सीखने वाले उसके साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए इसको याद रखना करो, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो NCERT में दिए हैं उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।